दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताएंगे अलीगढ़ कट पजम्मे की कटिंग। तो अलीगढ़ कट पजम्मा हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, तो देखिए सबसे पहले कपड़ा इस तरीके का किनारे तरफ आपको पकड़ना है मिला करके, और इस तरीके से बिछाना है कपड़े को। तो दोस्तों पजामा की लंबाई है 36 इंची और 16.5 इंची मोहरी है। तो देखिए आपको यहाँ पर मोहरे के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहां पर आपको हमारी 16.5 इंची मोहरी है, तो यहां पर आपको 1 इंची एक्स्ट्रा का मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से यहां पर इतना बिछाना है आपको। आप देखिए दूसरी तरफ से इस तरीके से आपको बिछाना है। दोस्तों कलीदार पजामा है ये, तो इस तरीके से आपको बिछा देना है। अब यहां पर देखिए एक सीधा मार्क खींचेंगे सबसे पहले, और यहां पर 2 इंची नेब आगे रखेंगे। अब यहां से नापेंगे इसकी लंबाई, तो इसकी 36 लंबाई है, तो 36 पर मार्क करेंगे यहां। और यहां पर 2 इंची रखेंगे नीचे मोहरी के लिए, तो यहां पर भी मार्क कर देंगे इस तरीके से। 16.5 इंची मोहरी है, तो यहाँ पे 16.5 का 8 इंची और 1 इंची यहाँ पर आपको दबाव भी रखना है। आप देखिए इसका घेरा यहाँ पर क्या रखना है आपको, यहाँ पर रखना है आपको 14 इंची और 1/2 इंची यहां पर आपको बढ़ाना है, और यहां पर देखिए यहां पर आपको करना है इसका 14 इंची आसन के लिए। इस तरीके से यहां पर करना है 14 इंची और 1/2 इंची यहां पर आपको बढ़ाना है। इस तरीके से अब देखिए यहां पर आपको किस तरीके से करना है। देखिए यहां से और यहाँ तक 23 इंची बैठ रहा है यहाँ पर, तो 23 का यहाँ पर हाफ हमें करना है। 23 का हाफ हो गया हमारा 11.5 इंची, तो यहाँ से आपको 11.5 इंची यहाँ पर मार्क करना है। तो ये इस यहाँ पर इस प्रकार से फंड ला देंगे।
यहाँ पर आपको इस तरीके से फंडी लगानी है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगाने हैं। आप कर लेते हैं इसकी कटिंग। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यानी इस तरीके से आपको रखनी है 4.5 इंची की, और इसकी लंबाई रखनी है आपको 7 इंची। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें।